हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी बीएड से संबंधित हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? आप लोग आंसर देने का प्रयास जरूर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए बुंदेली, ऑप्शन नंबर बी ब्रज, ऑप्शन नंबर सी कन्नौजी, ऑप्शन नंबर डी बघेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बघेली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख? ऑप्शन नंबर ए 300, ऑप्शन नंबर बी 434 से 315 तक, ऑप्शन नंबर सी 443 से 135 तक, ऑप्शन नंबर डी 334 से 153 तक। इसका कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग आंसर देने का प्रयास जरूर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 343 से 351 तक। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी मैसूर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी पाली, ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश पाली प्राकृतिक हिंदी, ऑप्शन नंबर डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृतिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाली प्राकृतिक अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए संघ की राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन नंबर सी पत्राचार की भाषा, ऑप्शन नंबर डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है, ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी हिंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी बिहारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहारी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? ऑप्शन नंबर ए मागधी, ऑप्शन नंबर बी अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर सी सौर सैनी, ऑप्शन नंबर डी ब्राजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौर सैनी। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1956 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ?
ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी बिहारी, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी हिंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर 1950 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए बी जी खेर, ऑप्शन नंबर बी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी जी बी पंत, ऑप्शन नंबर डी पी सुब्बू रोयान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी जी खेर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 22। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22। अगला क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी है? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। अगला क्वेश्चन, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था? ऑप्शन नंबर ए नागपुर, ऑप्शन नंबर बी मॉरीशस, ऑप्शन नंबर सी लंदन, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मराठी, ऑप्शन नंबर बी गुजराती, ऑप्शन नंबर सी मलयालम, ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलयालम। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस इन दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 11 जून, ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 28 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 10 अक्टूबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी अवहट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाली। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग है? ऑप्शन नंबर ए कन्नौजी अवधि, ऑप्शन नंबर बी ब्रज बघेली, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ी बांगड़ू, ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली बुंदेली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली बुंदेली। अगला क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है?
ऑप्शन नंबर ए बांगडू, ऑप्शन नंबर बी बघेली, ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बघेली। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। ऑप्शन नंबर ए गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। ऑप्शन नंबर बी नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर डी गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।